यार ये IIT UPSC जैसे एग्जाम्स क्रैक कर पाने के लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, टैलेंट या फिर एफोर्ट? कई बार क्या होता है, जब लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाने की बात आती है तो हम टैलेंट को एफोर्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानकर हार मान लेते हैं, जिस वजह से एफोर्ट लगाने से शायद हम जो सक्सेस अचीव कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि लाइफ में किसी फील्ड में सक्सेस अचीव कर पाने के लिए टैलेंट और एफोर्ट, ये दो चीज़ें एग्जैक्टली कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ और कभी भी आप मिस ना कर दो। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च से मिला हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अनबिलीवेबल एफोर्ट डाल पाने के लिए जो जिद और पागलपन की ज़रूरत होती है वो कैसे आप अपने अंदर जगा सकते हो। इसलिए अगर आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाने के लिए जो जिद और पागलपन की ज़रूरत होती है उसे अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टैलेंट या फिर एफोर्ट सक्सेसफुल बन पाने के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इस सवाल ने ग्रिट बुक के ऑथर एंजेला डकोर्ट को इतना परेशान किया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर साइकोलॉजी लेके फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और बाद में इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने रिसर्च करना भी शुरू किया। वो स्कूल स्टूडेंट से लेके कॉलेज स्टूडेंट, म्यूजिशियंस, एथलीट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स पे भी रिसर्च कंडक्ट करने लगी, और उनके इस रिसर्च से उन्हें सक्सेस का जो इक्वेशन मिला वो है टैलेंट इंटू एफोर्ट इक्वल्स टू स्किल, स्किल इंटू एफोर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। सो टैलेंट इंटू एफोर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। नोटिस कीजिए, सक्सेस के इक्वेशन में टैलेंट सिर्फ एक बार है लेकिन एफोर्ट दो बार है। मतलब लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन पाने के लिए एफोर्ट टैलेंट से दो गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये इक्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पैदा होने के बाद जैसे आपको दौड़ना नहीं आता था वैसे ही उसेन बोल्ट को भी दौड़ना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे एफोर्ट लगा के आप और उसेन बोल्ट दोनों ने ही दौड़ना सीखा। फर्क बस इतना है, आप ये स्किल एक्योर कर लेने के बाद उसमें और ज़्यादा एफोर्ट नहीं डाले, लेकिन उसेन बोल्ट दौड़ने का ये स्किल एक्योर करने के बाद भी लगातार एफोर्ट डालते रहे, और इसी वजह से उन्होंने आज दौड़ने में ढेर सारा सक्सेस अचीव किया है और आप नहीं कर पाए। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, वेयर टैलेंट काउंट वंस एफोर्ट काउंट्स ट्वाइस। हर साल कई लाख बच्चे IIT या UPSC जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक बार या फिर दो बार फेल होने के बाद ही गिव अप कर देते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डटे रहते हैं, लेकिन साल के शुरू में इन लाखों बच्चों में से हर कोई ढेर सारा एंथुसियाज्म लेके तैयारी करना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतने लगते हैं वो एंथुसियाज्म फीका पड़ने लग जाता है। बिल्कुल यही सेम चीज़ होता है रिलेशनशिप के मामलों में भी। हर एक रिलेशन के शुरू में प्यार एंड एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो एक्साइटमेंट कहीं गायब होने लग जाता है, और जब एंथुसियाज्म या एक्साइटमेंट गायब होने लग जाता है तो तब भी वो काम या वो रिलेशन कंटिन्यू कर पाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है जिद और पागलपन। और इसी जिद और पागलपन की यूनिक कम्बिनेशन को ही ऑथर एंजेला डकोर्ट ने ग्रीट कही है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है वो है ग्रीट। क्योंकि एक सच बात यह है, कोई काम चाहे आपके कितना भी पसंदीदा काम क्यों ना हो या आप उस काम को लेके कितना भी पैशनेट क्यों ना हो, लगातार अगर आप उस काम को करते रहे तो एक टाइम के बाद जाके हर एक काम बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, या फिर किसी बड़े ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है जो कि उस काम को करने की इच्छा को ही मार डालता है। शायद आपको एक्टिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन रोज़ रोज़ वही सेम एक्टिंग क्लास कई महीनों तक अटेंड करते रहने के बाद एक टाइम के बाद वो भी बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, और ऊपर से अगर कोई विजिबल ग्रोथ ना नज़र आए तो फिर वो एक्टिंग में इंटरेस्ट को भी मार डालता है। इन बुरे वक्त का सामना करके सक्सेस अचीव कर पाने में जो चीज़ मदद कर सकता है वो है ग्रीट, यानी कि जिद और पागलपन। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, एंथुसियाज्म इज कॉमन, एंड्योरेंस इज रेयर। अब फाइनली आते हैं कि कैसे आप अपने अंदर इस जिद और पागलपन को डेवलप कर सकते हो। तो उसके लिए चार चीज़ें होना ज़रूरी है।
नंबर 1 इंटरेस्ट। जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है उनके लिए आईआईटी या यूपीएससी क्रैक करने का कोशिश करना ही समय की बर्बादी है। उन्हें दूसरे किसी चीज जिनमें उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में कुछ करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट अंदर से आता है। इसे जबरदस्ती अपने अंदर डेवलप कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि मुझे खुद को भी नहीं पता कि इतने सारे खेल रहते हुए भी मेरा बैडमिंटन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, और बैडमिंटन में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है इसीलिए पहले मैं क्रिकेट फुटबॉल सब खेलता था, लेकिन अभी काम की वजह से वो सब बंद है, बट बैडमिंटन मैं अभी भी रेगुलर खेलता हूँ। हालांकि बैडमिंटन में मैंने अभी तक बहुत बड़ा कोई सक्सेस अचीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी बैडमिंटन के लिए वो जिद और पागलपन मैं हर रोज अपने अंदर महसूस कर पाता हूँ। नंबर 2 प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट होने से ही आईआईटी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्रैक नहीं हो जाते, उसके साथ जरूरी है प्रैक्टिस। ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट तो है और टैलेंट भी है, लेकिन उनके लाइफ में टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, गलत संगत, ऐसे ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस उनके मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट रख के उनके अंदर वो जिद और पागलपन को जगने ही नहीं देता है। नंबर 3 पर्पस। सोचिए दो स्टूडेंट है, दोनों ही बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और दोनों ही एनफ टैलेंटेड भी है, लेकिन इनमें से एक डॉक्टर बनना चाहता है ढेर सारा पैसा कमाकर अमीर बन पाने के लिए, लेकिन दूसरा स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि बचपन में उसने अपनी माँ को पैसों की कमी की वजह से बिना ट्रीटमेंट के अपने आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है, और इसीलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है ताकि ऐसे और किसी भी माँ को पैसों की कमी की वजह से बिना ट्रीटमेंट के अपने बेटे को छोड़ के जाना ना पड़े। क्या लगता है इन दोनों में से कौन अपने ड्रीम को पूरा कर पाने के रास्ते में हजारों ऑब्स्टिकल्स आने के बाद भी डटे रहेगा? कॉमन सेंस जो कहता है, ऑथर के द्वारा कंडक्ट किया गया साइंटिफिक रिसर्च से भी वही पता चलता है। जब किसी गोल को पूरा कर पाने के पीछे पर्पस बहुत बड़ा होता है, तभी किसी के अंदर वो जिद और पागलपन देखने को मिल पाता है। नंबर 4 होप। कोई चाहे कितना भी टैलेंटेड या स्किलफुल क्यों ना हो, लाइफ में अपने ड्रीम को पूरा कर पाने की रास्ते में उन्हें आज नहीं तो कल एटलीस्ट एक बार तो फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा, ये पक्की है। और उस फेलियर के बाद जब इंसान मुंह के बल गिर जाता है तो तब वापस से खड़ा हो पाने के लिए जो ताकत चाहिए होता है वो ताकत आता है होप से, अपने ऊपर यह विश्वास होने से कि शायद और एक बार ट्राई करने से मैं भी सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। किसी के अंदर अगर वो आत्मविश्वास, वो होप मिसिंग रहता है तो फिर उनके अंदर उस जिद और पागलपन देख पाने की सवाल ही मिट जाता है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस एंड होप आर द 4 पिलर्स ऑफ ग्रीट। ताकि आज इस वीडियो से आपको जो जो बातें सीखने को मिला है वो आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैंने इस वीडियो का एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने एंजेला डकोर्ट की बुक ग्रीट से सीखा है। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब मैं हमारे 3 हाईएस्ट डोनर्स शुभोदीप कर्मकर, अबू सलमान और शमीक घोष को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर सॉल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखकर आपको खुद को कुछ मदद मिल पाया है और आप हमें हमारे इस काम को जारी रखने और बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिससे कि हम सभी अपने लाइफ के ड्रीम्स को पूरा कर पाने के लिए उस जिद और पागलपन को अपने अंदर जगा पाए, इसलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पे शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख के खुद को हमारे एक स्पेशल व्यूअर में तकदीर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।